चलिए आज हम बात करते हैं की. So, like -ke -ke, so, okay? और टाइप टू बेसिकली क्या कहती है कोई भी grammar, तब अगर उसके सारे के सारे प्रोडक्शन या सारे के सारे प्रोडक्शन रूल्स जो की ये है ये प्रोडक्शन रूल है वो प्रोडक्शन रूल इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे दैट मींस कि जो प्रोडक्शन रूल है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा जो भी

ये टर्मिनल है ये टर्मिनल है सो राइट हैंड साइड पे क्या है लेफ्ट एक सिंगल व्हाई दिस इज सी टाइप 2 ग्रामर अब मेरे पास जो सीएफजी ग्रामर है जो ग्रामर है इसके करस्पोंडिंग जो लैंग्वेज जनरेट होगी इट विल बी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ठीक है और ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज विल बी एक्सेप्टेड बाय पीडीए दैट इज द पुश डाउन ऑटोमेटा

ए से चाहूं तो ए से अब मुझे लास्ट में क्या चाहिए ए चाहिए लास्ट में तो मैंने ए ले लिया अब क्या है अब मेरे पास केवल ए की, की चॉइस है ये ए वाली अब मैं इस ए को चाहूं तो इससे रिप्लेस कर लू एस बी ए से या हूं चाहूं तो इस एस से रिप्लेस कर लू चाहूं तो बी से रिप्लेस कर लू सो so, मैं क्या कर सकता हूं इसको ए को मैं एस बी ए से रिप्लेस करता हूं सो दिस ए विल बी रिप्लेस्ड बाय एस बी ए एंड दिस ए एज इट इज स्मॉल नेक्स्ट अगेन मेरे पास दो चॉइस है चाहे तो मैं इसको रिप्लेस कर लूँ चाहू तो मैं इसको रिप्लेस को रिप्लेस कर लेता हूँ मैं एस को रिप्लेस कर लेता हूँ ठीक है तो मैं पहले एस को रिप्लेस कर लूँ तुम चाहो तो ए को ए को भी कर सकते हो सोलप टू यू सो so, प्रोवाइडेड ये स्ट्रिंग ड्राइव होनी चाहिए इस एस को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ए एस से या ए से सो so, मेरी रिक्वायरमेंट नेक्स्ट ए की है सो so, मैं इसको ए से रिप्लेस कर लेता हूँ दिस एस विल बी रिप्लेस बाई ए ये बी एज इट इज दिस बी एज इट इज ये कैपिटल ए एज इट इज एंड देन स्मॉल ए ओके अब मुझे क्या करना है अब इस ए की ही चॉइस है मेरे पास अब इस ए को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं इस ए को आई कैन रिप्लेस बाई बी ए एज पर रिक्वायरमेंट सो और बाई बी ए सो दिस इज बी ए और ये ए एज इट इज ठीक है सो मैं फाइनली इसको ड्राइव कर पा रहा हूं यस आई कैन ड्राइव दिस वन सो ड्यूरिंग दिस दिस प्रोसेस नोन एज डेरिवेशन एंड दिस दिस वन इज नोन एज स्टार्ट सिंबल this one is known as the sentence and this these these terms this term this term this term and this term is known as sentential form this is known as sentential form sentential form sentential form this is the start symbol A start symbol this one is the sentence and this one this one this one and this one डेवेशन नोटेशन डेरिवेशन सिंबल आप कह सकते हैं ठीक है चले नेक्स्ट वन इज अब मेरे पास ये जो डायरिशन किया है मैंने इसके लिए मेरे पास एक टर्म है डेरिवेशन ट्री ऑफ पास ट्री डेरिवेशन ट्री ऑफ पास ट्री क्या होती है इसको बाद में देखते हैं पहले बना लेने की कोशिश करते हैं ठीक है डायरिशन ट्री बेसिकली क्या कहता है आप इसके स्टार्ट स्टार्टिंग वटेक्स से या स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करें और उसको रूट बना दें सो एस इज द रूट और आपने सबसे पहले एस को किससे रिप्लेस किया था ए ए एस से so, आपने जिस भी प्रोडक्शन रूल का यूज किया है जिस से रिप्लेस किया है उसको इसके चाइल्ड बना दो सो so, मैंने क्या किया ए ए और एस को इसके चाइल्ड बना दिया ठीक है अब फिर से आपने किसको रिप्लेस किया नेक्स्ट टाइम इस एस को रिप्लेस किया था हमने इस ए से तो आप फिर से क्या कर दो इस एस का चाइल्ड बना दो क्योंकि एक से रिप्लेस किया है तो ए ही बना नेक्स्ट टाइम आप क्या करें अब मेरे पास ए ही बचा था इस ए को आपने किससे रिप्लेस किया था एस बी ए से सो अब ए के चाइल्ड बना दो एस बी एस बी तीनों से रिप्लेस किया था हमने इस A को। तो ये चाइल्ड बन गए फिर से आपने क्या किया था हमने इस एस को ए से रिप्लेस किया था यहां पर सो so, एस का एक चाइल्ड बन जाएगा दिस इज ए नेक्स्ट अब हमने इस ए को रिप्लेस किया था किससे बी ए से सो so, इस ए को हमने बी ए से

एक वेरिएबल होना चाहिए यहां पर इंटीरियर नोड क्या क्या है एस है ए है यही यही दो है और मेरे पास इस ग्रामर में ये दोनों एक वेरिएबल है एक नॉन टर्मिनल है, है, ठीक है चले नेक्स्ट वन इज हां यही कहते हैं कि अगर आपके इसमें ट्री में कोई भी तीन चाइल्ड है या कुछ भी चाइल्ड है किसी भी नोड के ठीक है इंटीरियर नोड के किसी भी नोड किसी भी एक नोड के चाहे वो इंटीरियर नॉन इंटीरियर है उसके चाइल्ड है जैसे कि मैं इस वाले नोड को कंसिडर करता हूं इसके ये तीन चाइल्ड है एस बी ए तो ए

इसका लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन बनाते हैं सेम सेम ठीक है सो एक बार मैं इनको रब कर देता हूं सो so, ताकि थोड़ा क्लियर दिखे हाँ जी मुझे एस टेंस टू एस टेंस टू एक ही चॉइस है ए ए एस अगर मुझे इसको ड्राइव करना है तो सो ए एस अब मुझे अब मेरे पास दो चॉइस तो है बट मुझे क्या करना है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन तो मैं ए को ही रिप्लेस करना है मैं इसको रिप्लेस नहीं कर सकता सो so, मैं क्या करूंगा ए इस ए को रिप्लेस करना है तो ए को एज पर दिस रिक्वायरमेंट तो मैं क्या कर सकता हूं ए को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं एस बी ए से एस बी एंड रेस्ट ये वाला एस एज इट इज ठीक है अगेन लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है ये वाला एस ठीक है हमारे पास दो वेरिएबल हो रहा है ये भी है ये भी बट मैं इनको रिप्लेस नहीं कर सकता मुझे इसको रिप्लेस करना लेफ्ट मोस्ट को अब इस एस को यहां स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग मुझे रिप्लेस करना है तो मैं एस को इस ए से रिप्लेस कर सकता हूं तो मैंने इस एस को ए से रिप्लेस किया रेस्ट बी एस एज इट इज बी एस एज इट इज ठीक है अब अगेन मुझे लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को रिप्लेस करना है लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को रिप्लेस करना है लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल ए है इस बार और मेरी रिक्वायरमेंट है बी की सो so ए को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं बी ए से रिप्लेस कर सकता हूं सो so मैंने क्या किया ए ए बी और इस ए को बी ए से रिप्लेस किया दिस एस एज इट इज अब क्या हुआ लास्ट एस बचा अब तो कोई चॉइस ही नहीं है मेरे पास तो मैं इस एस को किससे रिप्लेस कर लूंगा इस एस को मैं ए से रिप्लेस कर दूंगा सो दिस इज ए ए बी बी ए ए दिस इज दी लेफ्ट मोस्ट डायरवेशन से भी मैंने इस स्ट्रिंग को ड्राइव कर लिया अब अगेन मैं चाहूं तो इसका भी एक ट्री बना सकता हूं लेफ्ट मोस्ट डायरिवेशन ट्री अगेन आप देख सकते हैं लेफ्ट मोस्ट डायरवेशन ट्री हम बनाते हैं इसका सो इट विल एस को मैंने किससे रिप्लेस किया था ए एस से उसके बाद मैंने किसको रिप्लेस किया था ए को ए को एस बी ए से ए को एस बी ए से उसके बाद मैंने किसको रिप्लेस किया था उसके बाद मैंने इस एस को रिप्लेस किया था ए से S को रिप्लेस किया था ए से उसके बाद मैंने ए को रिप्लेस किया है B A से B A, उसके बाद almost, जो हमने भी past, नहीं, सेम है जो हमने, हमने रफ कर दिया यहां से ठीक है सो सेम एज इट इज ओके सो दिस इज मोस्ट डेरिवेशन ट्री ठीक है सिमिलरली हम देखते हैं क्या हम राइट मोस्ट डेरिवेशन भी कर सकते हैं सक, इसका है कि नहीं तो ठीक है हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल तो एस ही है तो हमने एस लिया हमने एस लिया एस को हमने AAS से रिप्लेस किया, AAS से किया किया इसके बाद अब मुझे राइट -मोस्ट को रिप्लेस कर सकता हूँ एस एस दी रिक्वायरमेंट ए से so, मैंने इस S को A से रिप्लेस किया मेरे पास आया ए ए फिर से मेरे पास अब तो एक ही चॉइस है so मैं इस A को रिप्लेस कर सकता किससे से, S, B, A से. दिस इज एस बी एंड दिस ए एज इट इज उसके बाद अब मेरे पास दो चॉइस हैं एस और ए मैं राइट मोस्ट को ऑप्ट करूंगा क्योंकि राइट मोस्ट ही करना है सो ए को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किस से बी ए से सो ए एस बी और इस ए को बी ए से दिस इज बी ए और ए एज इट इज उसके बाद अब ए की चॉइस बची हुई है एस की सो एस को मैं किस से रिप्लेस कर सकता हूँ ए से ए ए बी बी ए सो हमने राइट मोस्ट डरिवेशन भी इसका कर लिया इससे भी हमने सेम स्ट्रिंग जनरेट कर ली इसका भी ट्री, ट्री बना सकते हैं सो so, एस से एस को हमने सबसे पहले किससे रिप्लेस किया था ए ए एस से ए ए एस से उसके बाद हमने एस को रिप्लेस किया था ए से उसके बाद हमने इस ए को रिप्लेस किया था बी ए से इस ए को रिप्लेस किया नहीं उससे पहले हमने कुछ किया था इस ए को हमने रिप्लेस किया था एस बी ए से यस एस बी ए से फिर हमने इस ए को रिप्लेस किया बी ए से This is B A. फिर हमने इन द नेक्स्ट स्टेप हमने इस S को रिप्लेस किया था यहाँ A से, ठीक है? So this is the rightmost derivation tree. This is also same. This is also same. It's not mandatory कि आपके लेफ्टमोस्ट derivation tree, rightmost derivation tree हमें same आएंगे, it's, it's not mandatory. Might be वो same हो, might be वो different हो. हो सकता है दो दो leftmost derivation tree बनाओगे इसी derivation के, so हो सकता है वो दोनों भी अलग आ जाएं. ओके सो इट्स नॉट कि दोनों सेम हो सकते हैं डिफरेंट ओके वेल अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें थैंक यू